सो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में, और आज के इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करने वाले फ्री फायर के टॉप 5 बेस्ट सर्वर के बारे में। वैसे तो अपने फ्री फायर के अंदर 15 से ऊपर सर्वर है, लेकिन अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे 2022 के हिसाब से, तो 2022 के अंदर फ्री फायर के सिर्फ 5 ही ऐसे सर्वर है जो कि फ्री फायर के बेस्ट सर्वर है। अच्छा, अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे इन वाले टॉप 5 बेस्ट सर्वर के बारे में, तो ये वाले सर्वर अपने कलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया सर्वर है। और आज के इस वीडियो में आपको उन्हीं सर्वर के बारे में बताने वाला हूं जिनके अंदर अपन को काफी ज्यादा फ्री की चीजें मिलती हैं, और उसी के साथ में फ्री के डायमंड वगैरह मिलते हैं। पैसा ही पैसा होगा। अगर आपका इंडिया सर्वर के अंदर खेलने का मन नहीं करता है, और आप यहाँ पर ट्राई कर रहे हो कि मैं दूसरे सर्वर पे खेलूं, और आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होगे कि मुझे यहाँ पर किस सर्वर पे खेलना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आप यहाँ पर बने रहो। मैं आपको यहाँ पर दूसरे सर्वर पे जाना भी बता दूंगा, और उसी के साथ में मैं आपको फ्री फायर के टॉप 5 बेस्ट सर्वर भी बता दूंगा। उनमें से आप कोई भी एक सर्वर सेलेक्ट करके उस सर्वर पे खेल सकते हो। वाह मोदी जी वाह। तो इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और भैया चैनल को तो सब्सक्राइब करना आता है, रेड कलर का बटन होगा उस पर दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 years later। नंबर 5 थाईलैंड सर्वर। तो देखो यार, जो थाईलैंड सर्वर है वो गोल्ड सर्वर है, यानी कि भाई मैं आपको गोल्ड सर्वर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर थाईलैंड सर्वर के अंदर खेलोगे तो आपको सारी चीजें गोल्ड में मिल जाएंगी, क्योंकि जो थाईलैंड सर्वर का स्टोर सेक्शन है उसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी चीज, मतलब किसी भी चीज को आप यहाँ पर गोल्ड में परचेज कर सकते हो। यानी कि भाई थाईलैंड सर्वर फ्री फायर का एकमात्र ऐसा सर्वर है जिसके अंदर अपन यहाँ पर कुछ भी गोल्ड में परचेज कर सकते हैं, और उसी के साथ में गोल्ड में ही अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि आपको किसी दोस्त को कुछ गिफ्ट करना है, तो आप उसको यहाँ पर गोल्ड में भी गिफ्ट कर सकते हो। और मान लो कि आपको कोई चीज परचेस करनी है, तो आप यहाँ पर पैंट गोल्ड में परचेस कर सकते हो, सेट गोल्ड में परचेस कर सकते हो, और उसी के साथ में आप यहाँ पर जूते वगैरह भी गोल्ड में परचेस कर सकते हो। तो इसलिए भाई जो थाईलैंड सर्वर है वो फ्री फायर का गोल्ड सर्वर है। और उसी के साथ में अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे और थाईलैंड सर्वर के बारे में, तो थाईलैंड सर्वर के अंदर सबसे ज्यादा अपन को फ्री कस्टम कार्ड वगैरह मिलते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर कस्टम के शौकीन हो और आपको यहाँ पर कस्टम खेलना पसंद आता है, तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा सकते हो थाईलैंड सर्वर के अंदर, और खुद भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री कस्टम के साथ में। अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो थाईलैंड सर्वर के अंदर अपन को फ्री के आइटम्स वगैरह भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं। और उसी के साथ में अगर आपको ये जानना है कि अपने फ्री फायर के अंदर क्या आने वाला है, तो भी आप यहाँ पर थाईलैंड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि थाईलैंड सर्वर के अंदर अपन को न्यू आइटम्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और उसी के साथ में अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे इलाइट पास के डिस्काउंट के बारे में, तो थाईलैंड सर्वर के अंदर सबसे पहले इलाइट पास का डिस्काउंट आ जाता है। मिस्ट्री शॉप के बारे में बात करेंगे, तो इधर मिस्ट्री शॉप के अंदर भी इलाइट पास का डिस्काउंट आ जाता है, लेकिन अगर थाईलैंड सर्वर के अंदर मिस्ट्री शॉप नहीं आती है, तो इसका डायरेक्ट डिस्काउंट अपन को स्टोर सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। कुछ भी। तो इसलिए भाई थाईलैंड सर्वर फ्री फायर का 5वां सर्वर है, और अगर आपको थाईलैंड सर्वर पसंद आता है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको थाईलैंड सर्वर के अंदर आना है तो आप यहाँ पर वीडियो में बने रहो, मैं आपको इसी वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। नंबर 4 ब्राजील सर्वर और वियतनाम सर्वर। तो अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे दोनों सर्वर के बारे में, तो भाई दोनों सर्वर फ्री फायर के सबसे बढ़िया सर्वर है, लेकिन ब्राजील सर्वर एक जमाने में यहाँ पर बात करेंगे तो नंबर 2 पे आता था, लेकिन अब ब्राजील सर्वर में वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। लेकिन फिर भी आज के टाइम में ब्राजील सर्वर काफी ज्यादा बढ़िया सर्वर है, क्योंकि ब्राजील सर्वर के अंदर अपन को न्यू आइटम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ में आपको तो पता होगा कि ब्राजील सर्वर के अंदर एक जमाने में, यानी कि भाई आज से 4 से 5 महीने पहले अपन को 10,000 डायमंड फ्री में मिले थे, और फ्री फायर के अंदर ये पहली बार हुआ था कि अपन को फ्री में यहाँ पर क्लेम पर डायमंड मिल रहे थे, जो कि यार ब्राजील सर्वर के अंदर मिले भी थे। ओ भाई मारो मुझे मारो। और अगर आपने यहाँ पर 10,000 डायमंड लिए थे तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन भाई अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे वियतनाम सर्वर के बारे में, तो भाई वियतनाम सर्वर फ्री फायर का काफी ज्यादा बढ़िया सर्वर है, क्योंकि वियतनाम सर्वर के अंदर एक तो अपन को फ्री के आइटम्स वगैरह काफी ज्यादा मिल जाते हैं, और उसी के साथ में फ्री फायर के जो जो न्यू इवेंट आने वाले, न्यू आइटम्स वगैरह आने वाले, वो अपन को सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। मान लो अपने फ्री फायर के अंदर कोई भी ऐसी चीज आने वाली, वैसे ज्यादा रेयर चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भाई यहाँ पर न्यू चीज के बारे में, यानी कि अपने फ्री फायर के अंदर कोई भी न्यू चीज आने वाली है, तो वो अपन को वियतनाम और थाईलैंड सर्वर दोनों सर्वर के अंदर पहले देखने को मिल जाते हैं। आपका लगा था हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और अगर आप यहाँ पर एक यूट्यूबर और आप यहाँ पर इवेंट वगैरह के बारे में अपनी ऑडियंस को बताते हो, तो यार आपको यहाँ पर वियतनाम सर्वर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 3 इंडोनेशिया सर्वर। अब आप यहाँ पर हाजिर रहोगे, क्योंकि यार जो इंडोनेशिया सर्वर वो अपनी 2021 की बेस्ट सर्वर की लिस्ट में सबसे पहले आया था, लेकिन अब यार क्या हो गया कि इंडोनेशिया सर्वर अपना 3रे नंबर पे चला गया। आई एम सॉरी बाबू, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2022 के अंदर इंडोनेशिया सर्वर कैसा है। तो देखो यार, जो इंडोनेशिया सर्वर है, अगर आप भी यहाँ पर आज यहाँ पर इंडोनेशिया सर्वर के अंदर जाओगे, तो आज भी अपन को कोई ना कोई न्यू बंडल अपन को एकदम फ्री में मिल रहा होगा। यानी कि इंडोनेशिया सर्वर के अंदर हर 7 दिन में एक बंडल फ्री में मिलता है, चाहे वो यहाँ पर मेल का हो सकता है, चाहे यहाँ पर बात करेंगे वो फीमेल का हो सकता है, लेकिन अपन को कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यू बंडल अपन को हर 7 दिन के अंदर अपन को फ्री में जरूर मिलेगा, और उसके साथ में अपन को बहुत सारे आइटम्स भी फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन अगर अपन यहाँ पर बात करें आज के टाइम में इंडोनेशिया सर्वर के बारे में, तो इंडोनेशिया सर्वर पहले जैसा नहीं बचा है। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि 2021 के अंदर अपन यहाँ पर इंडोनेशिया सर्वर इसलिए ज्वाइन करते थे क्योंकि 2021 के अंदर अपन को इंडोनेशिया सर्वर के अंदर फ्री डायमंड्स वगैरह मिलते थे, लेकिन आज के टाइम में फ्री फायर वालों ने हर सर्वर के अंदर से फ्री डायमंड को रिमूव कर दिया। अब जो लॉबी प्लांट के जो ऑप्शन होते थे जिसको अपन यहाँ पर लॉबी में पटकते थे जिसके बदले में अपन को डायमंड वगैरह मिलते थे वो अब यहाँ पर फ्री फायर वालों ने खत्म कर दिया और अपन को यहाँ पर उसमें डायमंड वगैरह नहीं मिलता है। तो इसलिए जो इंडोनेशिया सर्वर था वो अपना यहाँ पर तीसरे नंबर पर खिसक चुका है। लेकिन अगर आज भी अपने इंडोनेशिया सर्वर के अंदर फ्री डायमंड्स वगैरह मिल रहे होते तो इंडोनेशिया सर्वर आज के टाइम में भी यानी कि 2022 के अंदर भी एक नंबर पे होता। और नहीं तो क्या। नंबर 2 पाकिस्तान सर्वर। अगर अपन यहाँ पर बात करें पाकिस्तान सर्वर के बारे में तो आज के टाइम में पाकिस्तान सर्वर फ्री फायर का दूसरा सर्वर है जिसके अंदर अपन को सबसे ज्यादा चीजें फ्री में मिल जाती है। अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान सर्वर के बारे में तो यार पाकिस्तान सर्वर के अंदर कुछ भी रेयर नहीं है, सारी चीजें अपन को स्टोर सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाती है और उसी के साथ में जो जो चीज अपन को स्टोर सेक्शन के अंदर नहीं मिलती है वो वाली चीजें अपन को किसी न किसी इवेंट में देखने को मिल जाती है। तो इसलिए अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे क्रिमिनल बंडल और यहाँ पर बात करेंगे इलाइट पास के बंडल को छोड़ के पाकिस्तान सर्वर के अंदर कुछ भी रेयर नहीं है। और अगर आप यहाँ पर आज के टाइम में पाकिस्तान सर्वर ज्वाइन करोगे तो आज के टाइम में तो यार काफी ज्यादा चीजें फ्री में मिल जाएंगी क्योंकि यार पाकिस्तान सर्वर के अंदर अभी यहाँ पर बात करेंगे तो बढ़िया बढ़िया इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। और उसके साथ में पाकिस्तान सर्वर इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि यार पाकिस्तान सर्वर के जितने भी प्लेयर होते हैं वो उर्दू बोलते हैं और अपन यहाँ पर हिंदी बोलते हैं और अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे बोलने चालने के ढंग से तो उर्दू और हिंदी एकदम एक जैसी लगती है सुनने में। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर के अंदर खेलते हो तो आपको यहाँ पर आसानी से स्क्वाड भी मिल जाएगा, अपना यहाँ पर एक बढ़िया सा ग्रुप भी हो जाएगा और अपन यहाँ पर बात करेंगे तो अपन को गेम खेलने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। और अगर आपको अभी भी पाकिस्तान सर्वर अच्छा नहीं लग रहा है तो यार ये देख लो ये मेरा कलेक्शन वीडियो यार, इसमें मैंने आपको यहाँ पर बात करेंगे तो कितना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दिखाया था एक जमाने में। लेकिन आप यहाँ पर फिर से मेरा कलेक्शन देख लो तो आप यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर का मेरा एकदम धमाकेदार कलेक्शन भी देख सकते हो तो आपको इससे पता तो चल ही जाएगा कि यार पाकिस्तान सर्वर कितना बढ़िया सर्वर है। नंबर 1 साउथ अफ्रीका सर्वर। तो अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे साउथ अफ्रीका सर्वर के बारे में तो भाई यार साउथ अफ्रीका सर्वर क्या ही सर्वर है क्योंकि यार इधर भी कुछ भी नहीं देखा जाता है कि अपन यहाँ पर अपने प्लेयर को क्या दे रहे हैं, भाई कुछ भी दे देते हैं, रेयर से रेयर आइटम भी अपन को एकदम फ्री में मिल जाता है। और आपने यहाँ पर मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा साउथ अफ्रीका सर्वर का जिसमें मैंने यहाँ पर भाई टी शर्ट क्लेम की थी और आपको तो पता ही होगा कि अपने इंडिया सर्वर की भाई टी शर्ट कितनी ज्यादा डिमांडेबल है और कितनी ज्यादा रेयर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो साउथ अफ्रीका सर्वर के अंदर अपन को व्हाइट टी शर्ट एकदम फ्री में मिल चुकी थी। तो इस तरह से अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका सर्वर अपना पहले नंबर का सर्वर आता है। लेकिन सिर्फ साउथ अफ्रीका सर्वर फ्री आइटम्स की वजह से नंबर 1 पे नहीं आता है, वो यहाँ पर बात करें नंबर 1 पर इसलिए आता है क्योंकि यार साउथ अफ्रीका सर्वर के अंदर अपन यहाँ पर बड़ी आसानी से रैंक पुश कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पर बात करें साउथ अफ्रीका सर्वर के स्कोर रैंक के बारे में तो उधर अपने यहाँ पर बहुत ही कम स्टार में सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं और उसी के साथ में अगर अपने यहाँ पर बात करें बीआर रैंक के अंदर तो अपने यहाँ पर कुछ ही स्कोर के अंदर अपन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं और रीजियन में टॉप 1 पे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मुझे साउथ अफ्रीका सर्वर सबसे बढ़िया सर्वर लगा है। और अगर अपने यहाँ पर बात करें साउथ अफ्रीका सर्वर के बारे में तो भाई साउथ अफ्रीका सर्वर के अंदर अपने काफी ज्यादा इंडियन प्लेयर भी खेलते हैं और काफी ज्यादा ई स्पोर्ट प्लेयर भी है, वो भी यार साउथ अफ्रीका सर्वर के अंदर काफी ज्यादा प्लेइंग करते हैं यानी कि भाई खेलते हैं। अरे सर क्या बात है। तो इस तरह से भाई मुझे तो साउथ अफ्रीका सर्वर काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आपको साउथ अफ्रीका सर्वर पसंद आता तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थे भाई अपने फ्री फायर के टॉप 5 बेस्ट सर्वर। अगर आपको इनमें से कोई भी सर्वर पसंद आता है और अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप यहाँ पर उन सर्वर पे खेलो तो आपको एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वाली लिंक पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो उस वाली वीडियो में आपको यहाँ पर दूसरे सर्वर पे कैसे जाएं वो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर वो वाला वीडियो फॉलो करना पड़ेगा और सही सही करना पड़ेगा। और यार कमेंट में ये मत कहना कि मुझे दूसरे सर्वर पे जाना है कैसे जाएं, तो यार मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप यहाँ पर उस वाले वीडियो को देखो और आप यहाँ पर सक्सेसफुली दूसरे सर्वर पे चले जाओ। यार मतलब एकदम सिंपल सी ट्रिक है, बस आपको वो वाला वीडियो जरूर देख लेना है। बस मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि आपको वो वाला वीडियो जरूर देखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.